नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया। बंगाल के जीत का कौन सा पुरस्कार मिलेगा कैलाश विजयवर्गीय को? इंदौर के लिए निश्चित रूप से गौरव करने वाली बात हो सकती है कि कैलाश विजयवर्गीय, जो कि भारतीय जनता पार्टी के महासचिव और पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रभारी भी थे, उनके नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में भाजपा ने एक नया इतिहास रच दिया है। भाजपा को पिछली लोकसभा में यहां पर मात्र 2 सीटें मिली थी, लेकिन ये खबर लिखे जाने तक जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें 16 से अधिक सीटों पर भाजपा चुनाव जीती हुई दिखाई दे रही है। इसका पूरा श्रेय अमित शाह के साथ ही कैलाश विजयवर्गीय को जाता है और कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के ऐसे कद्दावर नेता है जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्हें कहीं से भी चुनाव लड़ाओ तो वे चुनाव जीत जाते हैं। कैलाश विजयवर्गीय अमित शाह की भरोसेमंद टीम के साथी भी हैं और उन्हें पश्चिम बंगाल का प्रभार दिया गया है। इसके बाद उन्होंने अपना निवास भी कोलकाता में बना लिया था, जहां उन्होंने पिछले दिनों ही अपना जन्मदिन मनाया था। अब उन्हें अपने जन्मदिन का तोहफा भी मिल गया है। अब कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि महासचिव के रूप में नई राजनीतिक ऊंचाई प्राप्त करने के बाद अब कैलाश विजयवर्गीय को बंगाल फतह करने का पुरस्कार किस रूप में मिलेगा, ये देखने वाली बात है। ये संभावना भी बताई जा रही है कि अगर मध्य प्रदेश में कोई उलटफेर होता है तो भाजपा सत्ता में लौटती है तो भावी मुख्यमंत्री के रूप में भी कैलाश विजयवर्गीय को देखा जा रहा है। कुल मिलाकर कैलाश विजयवर्गीय ने ये साबित कर दिया है कि वह भारतीय जनता पार्टी के ऐसे रणनीतिकार है जिन्हें कहीं से भी चुनाव जीतने में सफलता मिल जाती है, क्योंकि पश्चिमी बंगाल ममता बनर्जी का ऐसा गढ़ था जिसे भेदना बहुत कठिन था, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने ये कर दिखाया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।